संगीतास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ग्रीन एग करी बनाना बता रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये चार अंडे लिए हैं और इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तीन अंडों को मैं फ्राई करूँगी और एक अंडे को मैं रखूँगी गार्निशिंग के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब ये देखिए, ये मैंने अंडों को छील लिया है और इसको इस तरह से हम थोड़ा सा ये इस तरह से इसको प्रिक कर देंगे अंडों को, ताकि मसाला अंदर तक हमारा चला जाए। मैं ये तीन अंडों को करूँगी और एक अंडा मैं रखूँगी गार्निशिंग के लिए। तो ये तीन अंडों को मैं रखती हूँ इसमें फ्राई होने के लिए। ये हो जाएंगे लाल। अब देखिए, ये थोड़े से हमारे फ्राई हो गए हैं अंडे, तो इस टाइम पे मैं इन अंडों को निकाल लूंगी और इसके अंदर अब मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। देखिए, मैंने पालक को ब्लांच करके पीस के रख लिया है और मैं इसके अंदर और पीसूंगी हरी मिर्च और लहसुन थोड़े दही के साथ, क्योंकि हमें अपना पेस्ट और मसाला ग्रीन बनाना है। जब तक प्याज ब्राउन हो रही है, हम इसको भी पीस लेंगे। और ये अब मैं डालूंगी इसके अंदर ये पिसी हुई पालक, और पालक के साथ ही मैं डाल दूंगी जो मैंने हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाया है। इट विल गिव अ नाइस ग्रीन कलर और इस तरह से हमारी ये बढ़िया ग्रेवी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, हरी मिर्च, लहसुन और दही, ये मैंने एक साथ डाल दिया, इसमें एक अच्छा सा ग्रीन कलर आएगा। तो थोड़ी देर हम भूनते हैं और फिर मिलते हैं। ये हमारी पालक की ग्रेवी हो रही है तैयार, तो मैं नमक डालूंगी। नमक हम पालक की वजह से कम ही डालते हैं, पालक में काफ़ी नमक होता है। और ये है मेरा पिसा हुआ गरम मसाला, बहुत ही बढ़िया इससे आएगा टेस्ट। बस इसके अलावा अब हमें बस एक चीज़ और डालनी है टू गिव अ नाइस क्रीमी टेक्सचर, होममेड मलाई। इसको हम इसके अंदर डालेंगे। आप मार्केट की मलाई को भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं घर की ही मलाई यूज़ करती हूँ। और बस वेट करेंगे हम 2 मिनट के लिए, ताकि ये मिक्स हो जाए। और इस टाइम पे मैं डाल दूंगी अपने फ्राई करे हुए अंडे। ये देखिए, ये मैंने अंडे डाल दिए। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे, ताकि ये अंडे और ग्रेवी मिक्स हो जाए। ये देखिए, अब देखिए मैंने ये एग करी को ढक दिया है, ताकि मसाले पूरी तरह से अंडे के अंदर हो जाएं ऑब्जॉर्ब। और एब्जॉर्ब होने के बाद हम इसको करेंगे प्लेटिंग। अब ये देखिए, कितनी बढ़िया ऑयल छूट गया है इसके अंदर, और ये हो गई हमारी एग करी तैयार। तो बस अब करते हैं हम इसको डिश आउट, और बढ़िया आप खाइए इसको गरम रोटी पराठे के साथ में। चलिए तो चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। अब मैं इस तरह से करूंगी इसकी प्लेटिंग और फिर मैं डाल दूंगी सारी ग्रेवी इसके अंदर। अब ये देखिए, मैंने प्लेटिंग कर ली है और ये हमारी पालक एग करी तैयार हो गई। और इसके कॉर्नर्स पे हम लगा देंगे ये अंडे, ताकि जो वेजिटेरियन लोग हों, उनको जब भी ये खाना हो तो उन्हें पता रहे कि अरे ये अंडे हैं। जब हम लोग पार्टीज़ में सर्व करते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर से डिस्प्ले हमारा ऐसा होना चाहिए, ताकि वेजिटेरियन गलती से ना लें। Thanks for watching my video. Do like and subscribe if you love my videos. Enjoy your lunch today.